राजनगरी में मरीजों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन और सीएमओ के बीच चला रहा विवाद भले ही थम गया हो, लेकिन एक बार फिर चिकित्सा स्वास्थ्य महासंघ एवं डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन और उसके घटक संगठनों के कर्मचारियों द्वारा 20 से 23 जून तक काली पट्टी बांधकर सरकार की स्थानांतरण एवं अन्य नीतियों का विरोध किया जाएगा। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो डीपीए व स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी 24 जून से 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे, जरूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन भी करेंगे। हमारा 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को अपना पत्र दिया था, जिसमें 9 तारीख को धरना प्रदर्शन किया था एक दिवसीय सीएमओ कार्यालय पर। उन्होंने कोई उसमें संज्ञान लिया और न हमने वार्ता को बुलाया। उसके बाद में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद 2 घंटे का कार्य बहिष्कार हुआ। आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम जा रहे थे, उसमें जिला चिकित्सालय आगरा की जो प्रमुख अधीक्षिका महोदय आएँ डॉक्टर अनीता शर्मा जी, उन्होंने वहाँ अस्पताल की व्यवस्थाएँ चरमराने के कारण एसएन मेडिकल कॉलेज के श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय और जिला महिला चिकित्सालय की प्रमुख अधीक्षिका महोदय बहुत परेशान थे। चिकित्सालय महोदय से वार्ता की, वार्ता मध्यस्थता करने के बाद सीएमओ साहब को वहीं जिला चिकित्सालय उन्होंने बैठक के लिए बुलाया और हम लोगों को भी आमंत्रित किया। उसमें प्रमुख अधीक्षिका महोदय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय और हमारे पदाधिकारीगण, उनके साथ बैठकर वार्ता की गई। सारी 10 मांगों पर सहमति व्यक्त की मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ने और हम लोगों ने भी। चिकित्सा महासंघ करके एक संघ बना हुआ है जिसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा से जुड़े तमाम कर्मचारी संगठन संबद्ध हैं। उसी संगठन से हमारा डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश भी संबद्ध है। अभी शासन की एक स्थानांतरण नीति आई है जिसमें तमाम लीव कोल्स हैं, झोल हैं, उन्हीं के विरोध को लेके चिकित्सा महासंघ और उनके संयुक्त तत्वावधान में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन विरोध प्रदर्शन कर रहा है सरकार के फैसले के खिलाफ। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे प्रांतीय महामंत्री का हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि हम 20 से 23 तक सरकार की जो नीति है स्थानांतरण को लेकर और तमाम मेडिकल कॉलेज की स्थापनाओं को लेकर उसके विरोध स्वरूप 20 से 23 तक काला फीता बांधकर प्रदर्शन करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश का कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी काला फीता बांधकर सरकार की स्थानांतरण नीतियों का, अन्य जो उनकी मांगें हैं उनका काला फीता बांधकर 23 तारीख तक विरोध करेंगे और उसके बाद 24 तारीख से प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के समस्त हमारे फार्मासिस्ट पूरे प्रदेश के और अन्य नर्सिंग संघ और लैब टेक्नीशियन संघ, अन्य जितने भी हमारे उसके संगठन हैं चिकित्सा महासंघ के, वो सभी इस आंदोलन में शामिल हैं। बहुत से ऐसे स्वायत्त शासी संस्थान खुल रहे हैं जिनमें जिला चिकित्सालय को मर्ज किया जा रहा है और मर्ज करने के साथ वहाँ के पदों को विलुप्त किया जा रहा है। बहुत सी ऐसी नीतियाँ हैं जो शासन की कर्मचारियों के विरोधी हैं, उनका हम लोग विरोध करने जा रहे हैं। बाकी मरीजों के लिए हमेशा हमारा सहृदयता से हम लोग पूरा कार्य करते हैं।